उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 11 वर्षीय छात्रा का नदी में शव फेंकते समय एक ही रिक्शा चालक को ग्रामीणों ने दबोचा। ग्रामीणों ने चालक को पकड़ कर जमकर पिटाई कर चालक को पुलिस को सौंपा। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चालक पर हत्या का आरोप लगाया व पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ई रिक्शा चालक छात्रा को स्कूल लेकर गया था। कन्नौज जिले के तालग्राम थाना के बिलियाहार के कोरियापुर गांव निवासी 10 वर्षीय काजल पुत्री जयत प्रकाश गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ाई कर रही थी। वह मंगलवार को गांव के बच्चों के साथ स्कूल में ड्रेस वितरण के तहत ड्रेस लेने जा रही थी। स्कूल जाते समय गांव के संतराम नामक युवक ने अपने ई रिक्शा पर सभी बच्चों को बैठा लिया। स्कूल के पास पहुँचने पर चालक ने ई रिक्शा की गति तेज कर दी। चलते रिक्शे से उतरने के दौरान वे नीचे गिर गई और घायल हो गई। इसके बाद चालक ने इलाज कराने की बात कहकर उसने रिक्शा पर बैठा लिया। इस बीच उसकी संदिग्ध मौत हो गई। चालक संतराम ने शव गायब करने की नियत से ईशन नदी पुल से शव नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन लोगों को आता देख शव झाड़ियों में फेंक दिया। शव को फेंकते ग्रामीणों ने देख लिया। इसके बाद ग्रामीण ने चालक को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही चालक को हिरासत में ले लिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने चालक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि चालक ने इलाज कराने की बात कहकर काजल को लेकर चला गया और इस बीच वे शव को फेंकने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने देख लिया। चालक के खिलाफ गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। थाना तालग्राम के ग्राम बिरयाहार का मामला है। वहाँ प्राथमिक विद्यालय में आज ड्रेस वितरण का कार्य हो रहा था, तो उसमें बिरयाहार गांव के कुछ बच्चे ड्रेस लेने जा रहे थे, तो उसी गांव का एक ई रिक्शा चालक है संतराम, उसकी ई रिक्शा में कुछ बच्चे बैठ गए और उसमें स्कूल के पास ले जाने के बाद ई रिक्शा वाले ने रोकी नहीं ई रिक्शा, तो उसमें एक 11 वर्ष की बच्ची थी काजल, वो उससे कूद गई और घायल हो गई। इसके बाद जो ई रिक्शा चालक है उसने उस बच्ची को यह कह कर कि इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं, रिक्शा में लाद लिया और ले जा करके और ईशन नदी के किनारे उसको फेंकने की चेष्टा कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। उस ई रिक्शा चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई।